कहाँ लगी है? गैस बंद किया गया? हाँ हाँ बंद है, बंद है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और ज्यादा ठंडा भी होने वाला है। ये देखो, अरे नितिन भैया पहुंच गए गाड़ी के पास भाग के पहले ही, और बारिश फुल खतरनाक हो रखी है। तो मैं जा रहा हूँ मोंटी भैया के घर, और वहाँ जाके हम थोड़ा सा कॉफ़ी शॉफी पियेंगे। मोंटी भैया अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कॉल की कि आ जाओ भैया। तो मौसम ज़्यादा बेहतरीन, बेईमान भी है साथ में, तो निकलते हैं ज़बरदस्त सफ़र में। तो कश्मीर चलना नितिन? ना जी ना, यही कश्मीर बना हुआ है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अरमान भाई आप ना बड़ी वीडियो बनाओ एक्टिंग से रिलेटेड, या फिर उसमें कोई स्क्रिप्ट वाला काम करो आप। तो मैंने बोला कि मेरे 10 मिलियन मेरा पहले एम है, पहले मैं उसको अचीव करूँगा शॉर्ट्स पे डाल के या फिर ब्लॉगिंग करके जो भी है, उसके बाद फिर मैं अपना माइंड सेट कर लूँगा, फिर मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट। सर्दी में ना ऑटोमेटिक ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं आगे ले ले, पीछे ले ले, पीछे इतना ट्रैफिक था क्या बताऊंगा आपको। तो भैया सर्दी हद से ज़्यादा हो गई है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये देख रहे हो कमाल हो रहा है। बस अभी जा रहे हैं मोंटी भैया से मिलेंगे। तो काफ़ी दिन बाद आज हेयर कट कराया था, नितिन का भी हेयर कट यहीं से कराऊंगा जहाँ पे मैंने अभी करवाया है नेक्स्ट टाइम। मैंने नितिन कहाँ से करा गया? भैया मोंटी भैया ले रहे हैं पूरे सर्दी के मज़े, और माहौल देखो क्या माहौल बना रखा मोंटी भैया ने। तो हम भी पहुंच गए यहीं पे, तो हमारे बड़े भाई साहब हैं मोंटी भैया के बड़े भैया, यानी कि हमारे बड़े भैया। तो आइए मोंटी दादा, ये नितिन भैया भी आए मिलने आपसे, बहुत दिन हो गए। कैसे हो भैया? नए साल की बहुत मुबारक। पूरे मजे ले रखे, शिमला जाने की जरूरत नहीं है। बारिश थी, मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो कुछ रंगारंग कार्यक्रम कर लिए। तो मुझे लग रहा है हमें कश्मीर नहीं जाना चाहिए। हाँ भैया चलना चाहिए क्या? लेनी चाहिए, घर पे लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा, बाहर नहीं जाना, कश्मीर जाएंगे ना हम लोग। तो मोंटी भैया से मैंने पूछा है कितने रुपए प्लेट है, तो मोंटी भैया ने बोला है आज सर्दियां हैं तो आज का खाना बिल्कुल फ्री है ना अंकल? अंकल कह रहा अंकल कह रहा हूँ, देख रहे हो, कह सकते हो मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये डायलॉग ना आपके मुंह से ही सुना, मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं था। तुमने सुना मोंटी भैया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्हीं का डायलॉग है। अच्छा, ये देखो मौसम का नजारा, ये देखो, ये देखो। मोंटी भैया 1000 या 1500? आपके लिए 1000 है, वैसे 1500। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर -1-2 है, और लाइट भी चली गई, देख रहे हो मोंटी भैया लाइट भी चली गई। यार क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हमें जाना है कश्मीर, और कश्मीर में जो लोग हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं वहाँ का टेम्परेचर क्या है। और कल हम हवाई अड्डे से संपर्क करेंगे, कभी हमारी टिकटें कैंसिल ना कर दें, कभी लॉकडाउन लग जाए और हम वहीं फंस जाएं। क्या बोल रहे हो मोंटी भैया? हाँ जी, तो मोंटी भैया से अलविदा चाहते हैं, घर निकलते हैं अभी। तो बहुत सारी हमने मस्ती की है, तो ये हमारा छोटा बेटा है जो हमारे भाई साहब है ना पीछे छुपे हुए हैं, उनका बेटा यानी कि हमारा बच्चा है। तो यहीं से अलविदा जाते हैं मोंटी भैया, नमस्कार, बाय बाय। तो भैया 4x4 हमारा सपना हमें अब तक नहीं मिली, और इस छोरे को मिल गया अभी से। मोंटी भैया आपने मुझे नहीं दिलवाई, इसको दिलवा दिया अभी से, अगली बार आपको मिलाएगी पक्का ना, इससे भी अच्छी। चलो ठीक है, चलो भाभी बाय बाय। ओके बाय करो, बाय बाय। बारिश छोड़ के गए थे और बारिश आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है? तो नितिन आज पूरी रात तेरे को बारिश में खड़ा होना, ठीक है? चल भाग फटाफट गाड़ी, रुक जा गाड़ी की लॉक तो खोल दूँ, चल भाग, चल 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 फटाफट, चल फटाफट फटाफट भाग जा भाग जा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आग लगी है, क्या हुआ है, कहाँ लगी है, कहाँ लगी है? हाँ अरे जैन साहब कहाँ लगी है? गैस बंद किया गया? हाँ हाँ बंद है, बंद है। बिना बाहर जाओ, बात करो, हम नीचे से बंद करा दो ना। हाँ नीचे तो मैं फोन कर रहा हूँ। तो आपका मकान है क्या ये? अच्छे से कर, अच्छे से, अच्छे से कर, अच्छे से, अच्छे से कर, अच्छे से कर। नहीं तुम्हें बाहर का दोबारा बाहर निकलो, बाहर सिलेंडर ऑफ कर दो, एक बार पूजा मैं कर रहा हूँ। चलो 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 चलो, ओए ओए बाहर चलो, बाहर चल चलो,
डरो मत, डरो मत, चलो चलो नीचे, चलो 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 नीचे, चलो आ रहा हूँ मैं, चलो चलो इधर आ जा, चलो 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 नीचे, चलो हो गया क्या, हो गया, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आ जा अभी, आ जाएगा नीचे, आ जाएगा, चलो 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 नीचे, चलो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो गाइस मरते मरते बचे हैं मैं और नितिन भाई, देख रहे हो हालत, देखो ये देखो घास फूस, तो हमने वो आग बुझाने वाले कालू भैया देखो, तो मतलब बस हिम्मत होनी चाहिए, कहीं भी पहुंच जाते हैं हम लोग, तो कोई नहीं जा रहा था बाहर, हम भी पहुंचे अंदर फटाक से आग वाग बुझाई और आपको दिखाया भी कैसे क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ लापरवाही के चक्कर में गैस ऑन रह गई और फिर कुछ किया तो आग लग गई, तो सब पैनिक हो गए और सब घबरा गए। चलो कोई नहीं, अभी हमने निपटा दिया, बुझा दी थी हमने आग, बुझा दी थी, बस अब जो मेन काम है वो हो जाएगा ना। नहीं तो क्या डरे हुए थे ना उनके घर वाले, सारे बाहर रो रहे थे आके, कोई बात नहीं। फिर दोबारा मैं गया था, वो मेन स्विच बंद किया मैंने जब उसके अंदर आग लगी हुई थी, बच्चे भी थे ना, पड़ोसी थे ना सामने वाले, वो भी डर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मतलब क्या होता ना, आप लोगों की दुआएं हैं, नया साल अच्छा जाएगा सबका, कोई बात नहीं, ऊंच नीच होती रहती है, किस वजह से हुआ हरकत है, बुझा दी हमने, वैसे तो हमने बुझाई, हमने मेहनत की है, बुझा देना, अरे कर दिया काम, तो ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको, आ जाओ, आ जाओ नितिन, आ जाओ, अभी ऊपर लेके चलता हूँ। तो बस अब सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ ना, कई बार क्या होता है ना, भूल जाते हैं आग वाग बुझाना, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। हाँ जी क्या हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या हुआ था, या तो ये बंद करना भूल गए या फिर लिखी सी कुछ, क्या कुछ पता लगा, नहीं सर कुछ नहीं पता चला, बस वो एकदम अंदर था मैं, आवाज़ से आई, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, नया साल अच्छा जाएगा, कोई अच्छा बात अच्छा नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, हैप्पी न्यू ईयर सबको, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी चीजें बचाव हो गया है, कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ जी नहीं बात, चलो चलो चलो, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब सेफ हैं, और मैं यही बोलूँगा थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखो, रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लो गैस बंद है या नहीं है, बस यही बोलना चाहूँगा सबसे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें सब, चलो जी चलो, सब सेफ रहो और ठीक रहो, यही बोलूँगा, कोई बात नहीं, देखो अब हम तो चलो 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 नीचे, चलो चलो पायल आ जाओ, आओ बच्चों, शाबाश, कौन सा ये हॉट डॉग, चलो कोई बात नहीं, मम्मी सब बच गए है ना, सही नहीं है, सब ठीक ठाक है, चाय का कप टूट गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब सेफ है, बस इसी बात की खुशी है, मैं चाहता हूँ ये नया साल किसी को भी कोई भी गम ना दे, है ना मम्मी, क्या बोलते हो, देखो कितनी हड़बड़ी मच गई है, आप कैसे उठ गए, नहीं फोन आया था इसका, फोन किया था तूने, हाँ मैंने कहा ऊपर आ जाओ, अरे यार गोलू तूने नींद खराब कर दी यार, एक बुजुर्ग औरत की, टेंशन में एक बुजुर्ग औरत की नींद खराब कर दी। तो काफी ज्यादा हालत खराब हो गई है, ऊपर थोड़े लोग परेशान भी हैं और होते ही हैं, तो क्योंकि ना आमने सामने घर है, गैस लीकेज थी, तो थोड़ा बस मिट्टी विट्टी लग गई, क्योंकि हमने बुझा दिया था, मैं था, नितिन था, कालू था, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तो हम घुस गए अंदर और हमने जाके वो स्टॉप कर दिया। हेड्स ऑफ है आप दोनों के लिए, सही है, आपने उस टाइम पे दिमाग लगाया, सच में आप तीनों के लिए, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या हुआ, जिसका घर होता है ना पायल, वो इंसान ना बहुत पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने सब कुछ जल रहा होता है ना, उसको लगता है कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया, ये सब कुछ गया मेरे हाथ से, भाई भी मेरा ना जल्दी आग में वो मार रहा है, मैं वाला भाई नहीं बुझेगी, एक मिनट रुक, मैंने इसने वो खोला, खोलते मैंने फटाफट मैं सारे बंद करे, आग लगी हुई, एक बात बताऊं, ये तो चलो हमने टाइम से पहले सब कुछ ठीक कर दिया, ये तो ना मम्मी अचानक से ऐसा धमाका होता है, पूरी और बिल्डिंग के आसपास वाले में खिड़कियों से ना, अरे खिड़कियों से बाहर हो जाते हैं मम्मी सब लोग, पता है, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग सेफ हैं। हाँ गाइस बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारे जो कालू भाई का हाथ है आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये पाले पड़ गए, हाँ तो ये हाथ जल गया था, जो ऊपर थे ना एक दो लोग थे उनको छुड़वाने के, मतलब कि बाहर निकाल रहे थे उनको कालू भाई, तो चीज़ें गर्म थी काफ़ी, तो उससे
इन्होंने मेन स्विच बंद किया ना वो डोमा पे, मेन स्विच भी, मेन स्विच आप लोग तो स्प्रे कर रहे हो, अंदर वो बंदे थे ना जो फंसे हुए थे। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मौसम इतना जबरदस्त है क्या बताऊं आपको, आपको दिखाता हूं बाहर का मौसम इतना सुंदर लग रहा है ना। रात को बारिश आई थी, इतना क्लीन क्लीन लग रहा है, ये देखो खुला आसमान, ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है क्या बताऊं, बहुत सुंदर लग रहा है। रात को बारिश आई थी जैसे कि आपने देखा था वीडियो में, तो अभी ना मौसम ना ठंडा नहीं है, मतलब कि बाहर का जो माहौल है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, और हवा भी नहीं चल रही और ज़्यादा ठंड भी नहीं है। गुड मॉर्निंग मेरे गोनू मोनू, कैसे बेटा, ठीक हो बच्चे? रात को आग देखी थी कैसी लगी हुई थी? ओहो वेरी बैड, वेरी बैड बच्चे। आपके पीछे पीछे भागने के लिए पूरा उतारू हो गया था ये, मेरे पापा गए, मेरे पापा गए, ऐसा इसको टाइम ही नहीं है फोन के अलावा देख ले, कहा बात ही नहीं कर रहा हमसे, भोले शंकर के गाने सुन रहा है। आज सुबह सुबह मैं गई वॉक पे, मजा आ गया, 7 बजे चुप हो जा। मैं तो रात को बारिश होने के बाद जो मौसम है ना वो कमाल का है, ना तो सर्दी लग रही, ना हवा चल रही, धूप भी निकली हुई है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कमाल का मौसम है, कमाल का। और रात को आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी में आग लग गई थी, तो भैया जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं थोड़ा सा गैस वैस बंद बंद करके सोया करो, बहुत चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लापरवाह हैं, हम भी नहीं बंद करते, कल के बाद हमने भी सोचा कि हम भी बंद करके सोया करेंगे। पहले तो मुझे ये लगा पायल की झगड़ा वगड़ा हो गया कोई। हाँ मुझे भी आपने हमें तो बोल दिया कि तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा, हम सारे अंदर। कालो भैया से कालो, संदीप को पकड़ लिया, संदीप को पकड़ लिया, वो यहाँ से आए, वो बालकनी से देख रहे थे हमें, लगा कि आप, मुझे भी तो क्या लगा कि यार किसी की लड़ाई हुई होगी, आप उसको समझा रहे होगे ऐसा मत करो, और उसने जिसको मारना होगा ना उसको नहीं मारा होगा, आप पे चढ़ जाओगे। अच्छा मैं कमजोर ही हुआ तू। हम गए और वहाँ तो नजारा ही कुछ और था, जब हम गए सारे उस घर की फैमिली बाहर और तुम दो अंदर। तो आज शाम की वॉक ना मैं वहाँ पे करूँगा, वहाँ पे बहुत ही सुंदर है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे 15-20 चक्कर लगाऊँ, तो वेदर अच्छा है और थोड़ा सा आपको ताजी हवा तो मिलती है मुझे घर के बाहर भी, पर वहाँ और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, जो हमारी माता जी या फिर सासू माँ उनका व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखें बताएं आपको कैसा लगा, बाकी सेफ रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।